if a- minus b बी इक्वल्स टू फाइव एंड a b इक्वल्स टू माइनस सिक्स देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस बी देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो हमें फाइंड करना है हमें फाइंड करना है ए क्यू माइनस बी तो पहले इसके फॉर्मूले को देख लेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो हमारे पास ए माइनस बी तो है ए बी है या नहीं है ए नहीं है तो ये हमें फाइंड निकालना पड़ेगा करना पड़ेगा तो a माइनस बी का वैल्यू फाइव है अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर दें तो ए आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव इसका मतलब कि a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है और ए आ गया ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस टू और एवी का वैल्यू है माइनस सिक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव आ गया अब देखिए इसको यहां पर क्या करोगे ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सिक्स टू जो ट्वेल्व इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव यानी कि ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पच्चीस से बारह जाएगा तो थर्टीन आएगा एक पार्ट आ गया अब हमें फाइंड क्या करना था ए क्यू माइनस बी क्यू अब फाइंड कर सकते हैं माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी और यहां पे हो गए प्लस ए बी तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है फाइव ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर थर्टीन है और प्लस ए बी जो है माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स है ठीक है तो अब हम लोग आ जाएंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और A b का value minus 6 5, ए बी का वैल्यू माइनस सिक्स है यानी कि ये फाइवीन से सिक्स माइनस हो गया ये बचेगा तो 5 into 7, 35 जो होगा यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा तो एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें आपको हमेशा देखना है कि जो हमें फाइंड करना है उसके लिए कितने हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन हमें चाहिए ठीक है ना तो इस तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यूब थर्टी फाइव के बराबर आएगा अब यहां पर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस के लिए हमारे क्या चाहिए? तो हमें लिखेंगे तो ए प्लस बी एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ठीक है अगर ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे तो बाहर में प्लस बी होगा अंदर में माइनस होगा Leak, बाहर में माइनस होगा अंदर में प्लस होगा याद रखिएगा अब चेक कर एक्स प्लस वाई हमारे पास है एक्स वाई है या नहीं है तो एक्स प्लस वाई हमारे पास ट्वेल्व है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन फोर्टी फोर हो जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस टू एक्स हो गया अब एक्स एक्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई के जगह पे ट्वेंटी है वन फोर्टी फोर के बराबर हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक वन फोर्टी फोर माइनस फोर्टी ठीक है यानी कि चार के बराबर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो वन जीरो फोर के बराबर आएगा चालीस से अगर चालीस को माइनस करेंगे तो एक सौ चार आ जाएगा है ना भी आ गया। अब हमें एक्स क्यूब एन प्लस वाई क्यूब निकालना था तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई के जगह पे कर दोगे आप और ब्रैकेट में प्लस वाई कितना है? निकाल दिया, वन जीरो फोर और एकस वाई, एकस वाई कितना था ट्वेंटी ठीक है अब एक सौ चार से बीस को माइनस करेंगे ठीक है तो एटी फोर बचेगा अब एटी फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर देंगे एटी फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर टू जै एट आठ सोलह और चार बीस जीरो दो एट वन जा एट और टू ठीक है वन डबल जीरो एट इसका आंसर आएगा फोर टू जै एट आठ एट टू जै सिक्सटीन एंड फोर ट्वेंटी जीरो कैरी टू एट वन जा एट और टू टेन दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है सेम तरीका वही था कि जो हमें निकालना उसमें क्या क्या चाहिए हमें तो जो चाहिए उसके लिए एक कंडीशन गिवेन अकॉर्डिंगली फिर हम फाइंड कर लेंगे उससे इफ और यहां पर A B C है अब ए हमें निकालनी है तो पहले इसके फॉर्मूले को लिखते हैं देखते हैं हमें क्या चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस थ्री ए बी सी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अब देखो ए हमारे पास गिवन है यह भी हमारे पास इतना भी A भी गिवन है अब ए नहीं गिवन है चलो जी अभी हमें निकालने पड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एट गिवन है अगर इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपको पता होगा टू ए बी प्लस टू ए सी एन प्लस टू बी सी होगा और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होगा अब देखो 24, 2AB, तो plus plus ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू बने ट्वेंटी फोर और टू ए बी तो यहां पे टू कॉमन लेकर के ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ले लेंगे ये सिक्सटी फोर हो जाएगा अब देखो यहां पर टू अंडर ब्रैकेट ए बी एंड प्लस ए बी प्लस एसी प्लस बीसी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी सिक्सटी फोर से ट्वेंटी फोर जाएगा तो ये चालीस बचेगा माइनस करोगे तो ठीक है ना फोर्टी एंड ट्वेंटी फोर सिक्सटी फोर तो ए बी और उसके बाद ए बी और प्लस ए सी और प्लस बीसी ए टू इधर जाएगा तो ट्वेंटी आ जाएगा यानी कि ए बी प्लस ए सी प्लस ट्वेंटी के बराबर आ गया अब इसी आइडेंटिटी में हमें करना करने इसकी वैल्यू निकालनी थी तो अब आ जाओ ए आइडेंटिटी यहां पर चेक कर लो क्या था ए प्लस बी प्लस सी तो आठ है ठीक है उसके square, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तीनों का वैल्यू आपके पास ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर है अब यहां पे अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बचेगा कि नहीं बचेगा तो यानी कि माइनस ठीक है ए माइनस और हम ब्रैकेट में क्या कर लेंगे ट्वेंटी ले लेंगे माइनस ट्वेंटी आ जाएगा नहीं समझे यहां पर ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे एट आ गया राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर ट्वेंटी फोर आ गया इन तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस अंडर ब्रैकेट ए बी प्लस एसी प्लस बी सी ए बी प्लस प्लस तो ट्वेंटी है तो माइनस ट्वेंटी आ गया यानी कि एट ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी जाएगा तो फोर एट फोर जा थर्टी टू जो होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन इसके लिए फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी बिना फॉर्मूले का तो आप निकाल नहीं पाओगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने की कोशिश करते हैं क्यूब हो जाएगा अब प्लस माइनस बी का क्यूब होगा प्लस सी का क्यूब होगा माइनस थ्री ए के जगह पे ए बी के जगह पे माइनस बी सी के जगह पे वन क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी A plus B plus C, यानी कि ए और प्लस बी और प्लस सी इस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर वन का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए इस बी माइनस ए सी माइनस ए इन माइनस बी सी तो माइनस बी इंटू वन ठीक है अब आ जाए हम ए माइनस बी प्लस वन आ गया और यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस माइनस प्लस ए बी और ए माइनस ए और प्लस बी आ जाएगा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा तो फॉर्मूले याद रखियेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस थ्री ए बी सी के ऊपर है तो पहले इसे हम क्या करेंगे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो फॉर्मूले का ओरिजिनल फॉर्म है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी आप लिख देंगे सारी की सारी चीजें तो फैक्ट्राइज फॉर्म में हो गया क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पर आ रहा है तो सिंप्लीफाई करना है देखिए आप सिंप्लीफाई करना देखने में तो बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं ए का क्यूब यानी कि वन सेवेंटी फाइव का क्यूब और माइनस सेवेंटी फाइव का क्यू माइनस बी क्यू है ना और नीचे है देखो यहां पर ये है एक तरह से आप इसको लिख सकते हो 175 का स्क्वायर आप प्लस देखो 175 सेवेंटी फाइव इंटू एंड प्लस है सेवेंटी का स्क्वायर ठीक है तो एक क्यू माइनस के लिए ये मैंने समझाने के पर्पज से बताया आप देखो एक यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या होता square, 75, है ए स्क्वायर यानी कि 175 सेवेंटी फाइव इंटू ठीक है वन सेवेंटी ए स्क्वायर मतलब 175 सेवेंटी फाइव इंटू वन सेवेंटी फाइव ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी वन सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव प्लस बी ए तो 75 फाइव इंटू सिंपल और नीचे वाले को कोई आप चेंज नहीं करोगे ये तो ऐसे ही रहना था ना 175 सेवेंटी फाइव इंटू वन सेवेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी देखो एक पूरा पार्ट कट गया कितना सिंपल है अब 175 सेवेंटी फाइव से अगर सेवेंटी को माइनस करोगे रिजल्ट विल बी 100 100 रिजल्ट आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में सेम तरीका हम यही यूज करेंगे आप देखते हैं क्या वहां पर है हमारे पास कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा वो देखिए अब देखो एक क्यू माइनस बी क्यूब है सेम यहां भी लॉजिक यही लगाएंगे एक क्यू माइनस बी क्यूब है यानी कि वन पॉइंट टू का क्यूब माइनस जीरो पॉइंट टू का क्यूब है तो एक य्यू माइनस बीक्यू के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे ए माइनस बी वन पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट टू ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर मतलब कि 1.2 पॉइंट टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू प्लस ए बी वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट टू प्लस बी स्क्र जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई जीरो तो लिखोगे आप तो ऊपर वाले के लिए तो आपने यही लिख लिया ऊपर का नीचे का टर्म पूरा कट जाएगा तो ऊपर वाले के लिए आप ये लिख दोगे ठीक है और नीचे वाले के लिए फिर क्या लिखोगे आप यही लिख दो वन पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू ठीक है प्लस 1.2 पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू एंड प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट टू ए चेक करो पूरा टर्म कट जाएगा यानी कि 1.2 पॉइंट टू माइनस क्या हो गया जीरो पॉइंट टू ठीक है तो ए आपके पास एक बचेगा 1.0 आ जाएगा ये आपका आंसर हो गया तो यहां पर आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्र ए पार्ट दोनों ऊपर नीचे कट गए कट करके आंसर हमारा आ गया तो ऐसा नहीं कि इसका पूरा कैलकुलेशन निकालने लगे बहुत लेंदी हो जाएगा अल्टीमेटली आंसर तो वही आना है ठीक है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू फाइंड करना ठीक है तो एक काम करते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर पहले हम लिखते हैं तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स तो इसका वैल्यू तो तेवन है दैट इज सेवन एंड प्लस टू सेवन प्लस टू इक्वल्स टू ए नाइन हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर जब नाइन के बराबर है यहां पर एक्स प्लस वन बाई एक्स जो होगा प्लस माइनस थ्री थ्री के बराबर आप लिख दीजिए ठीक है इसी से को निकालना है रिजल्ट अब हमें एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना है तो ए आ जाएगा ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए भी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू थ्री है, x x है. और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू सेवन है ए सेवन और ए माइनस वन आ गया यानी कि थ्री सेवन वन गया तो सिक्स तो सिक्स थ्री जाए एटीन हाँ। आपका आंसर होगा अब आप कहेंगे कि सर यहां पर एक्स प्लस वन बाई एक्स थ्री है प्लस माइनस थ्री होना चाहिए बिल्कुल प्लस माइनस थ्री होना चाहिए तो वैसे केस में एक बार आपको प्लस थ्री से एक बार आपको माइनस थ्री से चेक करना पड़ेगा ठीक है लेकिन यूजुअली आपको बुक में जो आंसर मिलेंगे वो एटीन ही मिलेंगे इसलिए ठीक है आप एक ही इस तरीके से कीजिएगा कहीं पर मिस्टेक आपका नहीं होगा